तब फिर रिटर्न ऑफ एनआर फिर जेपी पावर का शेयर अभी 19.60% में ट्रेड कर रहा है, तो क्या ये शेयर यहाँ पे रिटर्न देगा? देखिए जेपी पावर का अगर आप क्वार्टर इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जहां पे हर क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स है जेपी पावर का, जयप्रकाश पावर का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो बोल सकते हैं कि ये कंपनी जो है यहाँ से बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट जो बिजनेस में कर सकता है, बिजनेस यहाँ पे पावर सेक्टर में देखेंगे तो एक बूस्ट हो सकता है। अभी जेपी पावर का शेयर 19.60% में चल रहा है, जो 52 का लो प्राइस है जेपी पावर का, जो 52 का लो प्राइस है उस मतलब 52 का लो प्राइस है जेपी पावर का शेयर जो है लगभग 232.20% तेजी बनाया, 52 के लो प्राइस से 232.20% शेयर का प्राइस हाई है जेपी पावर का। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए जेपी पावर के शेयर में, टेक्निकली जेपी पावर का शेयर कैसा है, क्या ये शेयर यहाँ से रिटर्न दे सकता है? इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों, रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो का पूरा बने रहिए, क्या कोई स्किप मत कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। जेपी पावर का शेयर दोस्तों यहाँ पे एक दिन में 0.4% डाउन हुआ है, वही दोस्तों बात करते हैं एक हफ्ते में 3.9% रिटर्न दिया है, वन मंथ में बात करेंगे तो 2.2% रिटर्न जो है शेयर का प्राइस डाउन हुआ है, जेपी पावर का शेयर का प्राइस डाउन होता है। अभी यहाँ पे जेपी पावर का जो ड्यूरेबिलिटी देखिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लगता है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, अभी यहाँ पे जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है जेपी पावर ने, एक जबरदस्त जो है यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो अभी यहाँ पे जो बोलते हैं जो ड्यूरेबिलिटी जेपी पावर का जो कि 75 out of 100, वैल्यूएशन की बात करते हैं 79.30 है आउट ऑफ 100, मोमेंटम की बात करते हैं 69.60 है आउट ऑफ 100। तो अभी यहाँ पे जेपी पावर का दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पे वन मंथ में देखेंगे तो जो एक हाई प्राइस बना है 20.54 पैसे का है, इसका वन मंथ का हाई प्राइस है जेपी पावर का, जो कि बोल सकते की जो अभी जो शेयर का प्राइस चल रहा है वन मंथ के हाई प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे वन मंथ का जो लो प्राइस है 17.40 पैसे का, वही दोस्तों बात करते हैं शेयर का जो एक हफ्ते का जो हाई प्राइस है 20.54 पैसे का, तो वही उसका हाई प्राइस है, और जो लो प्राइस है 18.90 पैसे का, तो ये जो है शेयर वन मंथ में 20 रुपीज के आसपास पहुंचा, तो शेयर अभी लगभग 19 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो बोल सकते वन मंथ का जो हाई प्राइस है उसके आसपास शेयर अभी जेपी पावर पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं 13,438.8 करोड़ का जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं जेपी पावर के शेयर का, जहां पे इस शेयर का जो टेक्निकली जो है शेयर एक बुलिश पैटर्न बनाता हुआ लेकिन को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहे जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है, MACD इंडिकेटर कह रहे जो शेयर है एक बुलिश यहाँ पे पैटर्न बनाता हुआ लेकिन को मिल रहा है। देखिए टेक्निकली जेपी पावर के शेयर स्ट्रॉन्ग है, अभी यहाँ पे बुलिश पैटर्न शेयर जो है बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स के पास ज्यादा कुछ स्टेक्स नहीं है, मतलब प्रोमोटर्स के पास जो है आप ये देख सकते हैं जो कि 24% का स्टेक है जेपी पावर का, FIIs के पास 6.06% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 0.1% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 18.46% का स्टेक है, पब्लिक के पास 51.37% का स्टेक है। तो जेपी पावर का शेयर दोस्तों अभी आगे देखते हैं जहां पे जेपी पावर के शेयर का जो 52 का लो प्राइस और हाई प्राइस है, देखिए लो प्राइस इसने दिया है 5.90%, हाई प्राइस बनाया है जेपी पावर के शेयर ने 52 में 24 रुपीज का, तो शेयर जो है बोलते कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहेगा जिन लोगों ने थोड़ा ज्यादा प्राइस में जेपी पावर के शेयर में खरीदारी करके रखा है। स्टॉक पी की बात करते हैं 9.6, वैल्यू की बात करते हैं 16.70 है। तो जेपी पावर के अभी कंपनी को लेकर देखते हैं, देखिए कंपनी का जो है इन्वेस्टमेंट बहुत सारा है मार्केट में, अभी यहाँ पे जेपी पावर जो है स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है 1.17 टाइम्स इस बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू जो है उससे 1.17 टाइम्स में जेपी पावर का शेयर ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ से शेयर थोड़ा रिटर्न दे सकता है। कंपनी जो इसका बोलते हैं कि प्रॉफिट जो है कंपनी का देखते हैं तो यहाँ पे जो है कंपनी का पिछले 5 ईयर्स में अच्छा खासा एक प्रॉफिट देखने को मिला है जो कि CAGR 39.8% के आसपास, तो उधर कंपनी जो है यहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, डिविडेंड कुछ खास इन्वेस्टर्स को जेपी पावर देता नहीं है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 4.94% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, प्रोमोटर जो है प्लेस्ड 79.2% स्टेक जो है, प्रोमोटर्स का स्टेक जो है 79.2% प्लेस्ड है। तो अभी यहाँ पे जेपी पावर में देखने को मिल रहा है कि कंपनी जेपी पावर का जो शेयर अभी यहाँ पे है एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है, मजबूती मतलब बोलते कि तेजी की मूड में शेयर हो सकता है कि थोड़ा तेजी बनाए। पावर प्लांट ऑपरेशंस की बात करते हैं जेपी पावर का, जो कि 400 मेगावाट का जो इसका पावर प्लांट है ऑपरेशन का, जहाँ पे ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में 400 मेगावाट इसके पास जो है इसका जो है पावर प्लांट है जेपी पावर का, 500 मेगावाट जेपी बीना थर्मल पावर प्लांट है
जो कि है मतलब मध्य प्रदेश में, यहाँ पे दो यूनिट है जेपी पावर का मध्य प्रदेश में 250 मेगावाट ईच। फर्स्ट यूनिट हैड बीन ऑपरेशन, जैसे कि बहुत साल से जो पहला जो यूनिट है वो ऑपरेशन में है। और यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी जो है 1300 मेगावाट जेपी जो है इसका पावर प्लांट जो है जो कि है एमपी में। तो एमपी में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग एक जो इसका मतलब पावर है जो इसका जो कि 500 मेगावाट के आसपास है, और दूसरा जो यहाँ पे 1320 मेगावाट के आसपास है। कंपनी का जो कैपेसिटी है जेपी पावर का जो कैपेसिटी है यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 2220 मेगावाट का इसका कैपेसिटी है जो कि 2 MTPA है, जो बोल सकते कि आगे चल के जैसे कोल माइनिंग का देख सकते 2.8 MTPA कोल माइनिंग है। तो जैसे कि पावर सेक्टर में बूस्ट होता है आगे चल के, तो जेपी पावर जैसे कंपनीज में एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट बढ़ा कंपनी को हो सकता है। कंपनी का जो बोलते कि सेल्स है, सेल्स ऑफ सीमेंट प्लांट जो है इसका, जहां से देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स ऑफ सीमेंट प्लांट जो है यहाँ पे जेपी ने करे, जो कि सीमेंट ग्रेडिंग है प्लांट इज 2.0 MTPA सीमेंट ग्रेडिंग प्लांट। हाउएवर देयर वाज नो प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल 2022 October 2022। कंपनी जो है यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका जो उसकी डाइवर्ट द प्लान एज पार्ट ऑफ डेट रिडक्शन प्लान। तो यहाँ पे कंपनी के पास मजबूत बोल सकते कि प्लान वगैरह हैं, बहुत सारे प्लान वगैरह हैं। और जेपी पावर के पास कंपनी का जो कैप्टिव कोल माइन है, जहां से देख सकते हैं कंपनी का जो कैप्टिव कोल माइन है जो कि मध्य प्रदेश का है, विच द कंपनी हैज ओन बाय वे ऑफ रिवर्स बिडिंग ऑफ ₹712 पर टॉन। अभी आउट ऑफ द टोटल जो इसका फ्यूल वो की जो रिक्वायरमेंट है 5.70 MTPA फॉर निगाले TPP। अभी यहाँ पे कंपनी जो पावर परचेस एग्रीमेंट की बात करते हैं जेपी पावर का, जहाँ पे कंपनी है PPA जो कि पावर परचेस एग्रीमेंट है विद मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी। तो मध्य प्रदेश मैनेजमेंट कंपनी के साथ एक इसका PPA हुआ है, पावर परचेस जो एग्रीमेंट है एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ पे कंपनी जो रिक्वायर्स 865% जो है ये जो है वो से सप्लाई जो है यहाँ पे करेगा इंस्टॉल कैपेसिटी एट ए टैरिफ जो बताया जा रहा है 5% एक्वायर जनरेशन। तो अभी यहाँ पे फॉरेन कल जो कंपनी, तो अभी यहाँ पे जेपी पावर में जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कि कंपनी के कुछ प्लान जो है मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में, जहाँ पे इसका जो इंस्टॉल कैपेसिटी है बहुत ही जबरदस्त है। कंपनी का जो कैपेसिटी है लगभग 2200 मेगावाट के आसपास है। तो अभी यहाँ पे जेपी पावर के शेयर में जैसे कि पावर सेक्टर में बूस्ट होगा तो जेपी पावर जैसे कंपनी को एक फायदा होगा। तो यहाँ पे किसी के पास शेयर है तो हमें लगता है कि थोड़ा समय आपको होल्ड करना चाहिए अगर किसी ने ज्यादा प्राइस में लेके रखा है। आपको कैसा लगता है दोस्तों जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया